अब देखने लगे हम कॉस्ट को। कॉस्ट को देखिए, मुझे बताइए, तमाम स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिएगा काइंडली। इफ लेबर इज वेजेस या कॉस्ट कर रहे हैं, वेजेस सपोज आर 100 रुपीज पर लेबर, सो एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट का फॉर्मूला वेजेस ओवर एपी अगर आप वेजेस को एपी पर डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट, वेजेस को मार्जिनल प्रोडक्ट पर डिवाइड करें तो मार्जिनल कॉस्ट। वेजेस ओवर एपी और वेजेस ओवर एमपी, ये फॉर्मूला अगर हम इसको अप्लाई करेंगे इस पे और इस पे, तो जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते हैं उन्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि जब लेबर को इस पे और इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे जी। एसी क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एमपी पहले इंक्रीज और एपी पहले इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है। मैं अगर यहां पे आपके सामने ही दो कॉलम ड्रॉ करूंगा तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने के लिए। एसी और एमसी, एसी के लिए क्या करेंगे, इसको वेजेस ओवर एपी 100 टू और क्या आएगा 50, 100 टू 3 क्या आएगा 33.3, 100 टू 4 क्या आएगा 25, 100 टू 4 25, 100 ओवर 3.6 33 पॉइंट समथिंग, इस तरह ही चलेगा। इसका मतलब पहले वो डिक्रीज होगा फिर वो इंक्रीज होगा। तो ये एसी हुआ, अब एमसी कैसे करेंगे, पहले डिक्रीज होगा एमसी फिर इंक्रीज होगा। तो नटशेल ये हुआ, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स को समझते हैं बताएं, यहां तक कोई बात समझ आई। बताएं यहां तक समझ आया या नहीं आया, अच्छा जी। अगर नहीं समझ आया तो फिर रीजन बताइए, नहीं फिर तो ये है कि फिर तो सारा डिटेल के साथ हमें हमें करना पड़े। अच्छा मुझे बताएं,
एपी और एमपी वाला क्लियर है? निजामुद्दीन कल जो किया था, एपी एमपी क्लियर है मंसूर? चलें फिर इसको रिपीट करते हैं थोड़ा सा, देखें सब इधर फिर। देखें इधर, 1 2 3 4 5 6 7, एमपी 2 4 6 4 2 0 -2, टीपी 2 6 12 16, 18, 18, 16, एपी 2 3 4 4, थ्री और 2.2। अब आप बताएं एसी और एमसी की वैल्यूज क्या आएंगी? अगर लेबर सॉरी अगर पर लेबर जो है वो 100 रुपीज कॉस्ट आ रही वेजेस, तो बताएं एसी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, डब्ल्यू और एपी डब्ल्यू और एमपी। जी निजामुद्दीन साहब जरा वैल्यूज तो बताएं फिर क्या आएंगी इसकी, एपी की एसी की वैल्यूज बताएं। एसी फिफ्टीन, फिर कुछ इसी तरह की वैल्यूज आएंगी ना, छोड़ दें कैलकुलेशन, कुछ इसी तरह की वैल्यूज आएंगी निजामुद्दीन साहब, जी तमीना, कुछ इसी तरह की वैल्यूज आएंगी। अच्छा इसका मतलब ये कि एमसी की क्या वैल्यूज आएंगी फिर, एमसी 50 25 18 point something 25 50, क्यों जी कुछ इस तरह की आएंगी वैल्यूज? खाने में क्या बनाएंगे? जी कुछ इसी तरह की वैल्यूज आएंगी एमपी की भी, एमसी और एससी की। तो अब अगर इनके ग्राफ पे तवज्जो दें, एसी 50 से कम होते होते इंक्रीज होना शुरू हो गया 25 के बाद, और एमसी को भी अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से ड्रॉ होगा। जी अब समझ आया निजाम?
क्यों जी, यहां तक क्लियर है? चलो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब हम बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, उसको कहते हैं लार्ज स्केल। दोज फैक्टर्स विच डिक्रीज those factors which decrease the cost of production are known as economies. which increase the cost of production डिसइकोनॉमीज। वो इकोनॉमीज और जो कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं वो डिसइकोनॉमीज। मिसाल के तौर पे आप जब कोई चीज लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो आप रॉ मटेरियल किसमें, रिटेल में लेंगे या बल्क में लेंगे, होलसेल में? बल्क में लेंगे तो क्या डिस्काउंट मिलेगा कुछ? आपको डिस्काउंट मिलेगा ना कुछ? तो वो डिस्काउंट क्या करेगा, कॉस्ट में इजाफा करेगा, कमी करेगा? आपको लार्ज स्केल की वजह से जो बैंक्स हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
तो ये इकोनॉमीज है। डिसइकोनॉमीज मसलन अब डिस इकोनॉमीज कैसे हैं, लाइक स्टाफ कंट्रोल करना, क्यों जी स्टाफ कंट्रोल इश्यूज नहीं आना शुरू हो जाएंगे आपके लार्ज स्केल पे? गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज, टैक्सेस, कॉर्पोरेशंस, इनको फेस नहीं करना पड़ेगा लॉन्ग रन में? इन्हें कहते हैं डिस इकोनॉमीज। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है फर्म्स रेवेन्यूज। फर्म्स रेवेन्यूज टोटल रेवेन्यू TR P into Q। एवरी रेवेन्यू AR TR/Q। मार्जिन रेवेन्यू डेल्टा TR और डेल्टा Q। राइट जी, इन्हें जरा आपने माइंड में रखना है। इन्हें माइंड में रखिएगा जरा। मार्केट जो है वो कौन कौन सी होती हैं हमारे थ्योरेटिकली स्पीकिंग? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मेजर ये तीन है। मोनोपोली,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। इनको बारी बारी हम पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन किसको कहते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल, बाय ऑल मीन्स सेम। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मार्केट्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन सॉरी परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट्स परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कोई भी शख्स किसी भी वक्त किसी के पास जाके काम करना चाहे तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट के बारे में कस्टमर्स और फर्म्स का कंप्लीट नॉलेज हो। और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो एक जैसी, उनमें कोई फर्क ना हो। और फ्री एंट्री एग्जिट, किसी वक्त भी मार्केट में कोई नई फर्म आना चाहे या पुरानी फर्म छोड़ के जाना चाहे तो जा सकती हो, उस पर कोई रुकावट नहीं हो। अब ऐसे हालात में क्या होता है जी? तवज्जो से देखिएगा। इन हालात में मार्केट के अंदर क्या होगा? शेयरिंग शुरू हो जाएगी। बोलिए।
इस तरह क्या होगा, पूरी मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी छोटे छोटे शेयर्स के अंदर। इस तरह मार्केट छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। जब मार्केट इतनी स्प्लिट हो जाए तो बताएं उसके बाद क्या किसी एक फर्म के पास मार्केट का कोई ज्यादा कंट्रोल हो सकता है? बताइए, किसी एक फर्म का प्राइस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो सकता है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में प्राइस किसी भी एक की मर्जी की नहीं होगी, प्राइस किसी एक फर्म की मर्जी की नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, फ्री डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ये यानी कि जो प्राइस होगी वो फिर मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे। तो फर्म क्या करेंगे, ये सेंटेंस याद कर लें, फर्म विल बी प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। ये लाइन याद कर लें सब स्टूडेंट्स, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म विल बी प्राइस टेकर, ये प्राइस एक्सेप्ट करेंगी, प्राइस बनाएंगी नहीं, प्राइस को डिटरमाइन करेंगी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और फर्म प्राइस रिसीव करेंगी जस्ट। यहां तक बात समझ आई सबको? तमाम स्टूडेंट बताएं यहां तक बात समझ आ रही है? अब आप मुझे बताएं तमाम स्टूडेंट्स, और यही असल मकसद होगा बात समझाने का जो मैं करने लगा हूं,
नहीं मंसूर, रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। प्राइस क्यू टी आर एआर एनएमआर जी, मैंने कहा था प्राइस चेंज नहीं होगी, प्राइस चेंज नहीं होगी। क्यों जी बताएं, कौन स्टूडेंट बताएगा कि प्राइस चेंज कहीं क्यों नहीं होगी? हाँ नहीं, देखें अगर आप करना चाहते हैं एग्जाम्पल इसकी, तो फिर तो आप राइस की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ना। राइस, लेकिन इनके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ना होते हैं ना, इनके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इनकी जो फर्म्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। और इसकी एक दो और भी हैं असल में assumptions, लाइक नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी तो जाहिर बात है वो परफेक्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। जी अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर, बताइए क्यों प्राइस हमने सेम रखी यहाँ पे 10 रुपीज, 10 10 10? वैसे बताइए ना। नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा है क्यों परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने जो लिखी प्राइस एक ही रखी है ना। हाँ जी, हमने कहा था फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, तो टेकर जो होती है वो प्राइस चेंज नहीं कर सकती ना। तो चाहे एक चीज सेल करें, दो करें, तीन करें, 10 करें, प्राइस चेंज नहीं होगी। टीआर ए आर और एम आर देख क्या बनेंगे बताएंगे। टी आर ए आर और एम आर फिर कैसे निकलते हैं? अभी मैंने बताया थे फॉर्मूले आपको, फॉर्मूलाज बताए थे ना आपको टी आर ए आर के, पी इंटू क्यू। ए आर कैसे आएगा? टी आर ओवर क्यू।
एमआर क्या होगा, चेंज इन टीआर और चेंज इन क्यू, सारे यही होंगे ना प्राइस। तो यहां से एक फाइंडिंग है, ये जरा तवज्जो सुनेगा, यहां से एक फाइंडिंग होगी आपको जो मिलेगी वह है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। यहां से फिर हम डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज भी जनरेट करेंगे आगे जाकर। अब अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, इन्हीं वैल्यूज लेकर डायग्राम ड्रॉ कर दी जाए, तो यू बनेगा ए आर इक्वल एम आर। ए आर इक्वल एम आर इस तरह बनेगा। उसकी रीजन क्या होगी जो पीछे मैंने बताई भी आपको, ये P is equal to AR is equal to MR। ये जरा तवज्जो से बातें याद रखनी है, क्योंकि वो पूछ लेता है ए आर एम आर के बारे में। मुझे बताएं यहां तक जो चीजें मैंने की हैं ये आप लोगों को क्लियर हैं? बाकी लोग भी बताएं ना, जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं। ओके, इनसे रिलेटेड आखिरी जो पॉइंट है
अगर आप कहेंगे तो मैं के जी समझाएं तो मैं समझा दूंगा, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप इसको याद कर लें, मतलब चाहे तो अगर आप कहेंगे समझाएं कंडीशन तो और हो सकती, लेकिन समझाने की बजाय आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो याद करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। वो है नेसेसरी कंडीशन, और दूसरी है कि जो फॉर्म है इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां एम सी एम आर के इक्वल हो और एम सी एम आर को कट करे फ्रॉम डाउन। नेसेसरी कंडीशन कौन सी है? एम सी इक्वल टू एम आर और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है? एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अगर आप चाहें कहीं समझाएं क्यों तो समझाई जा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि आप इनको जेन में रख लें कि एम सी जब एम आर के इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, और एम सी जब एम आर को कट करता है फ्रॉम बिलो, तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो समझ जाएं ये आपका फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझाने की इसलिए जरूरत मुझे पेश नहीं आती क्योंकि सिलेबस में आपका वो है नहीं कि वाई एक्सप्लेन नहीं है इसमें, सिर्फ वो पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर कि कहां कहां क्या क्या होता है। जी, इसके बाद जो दूसरा केस है वो है मोनोपोली। ये जरा इंपॉर्टेंट ज्यादा है निस्बतन, एक बात। दूसरा, इसमें वैरायटी भी थोड़ी टॉपिक्स की ज्यादा है, इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो सुनिएगा। इसमें दो तीन चीजें डिफरेंट डिफरेंट। मोनोपोली कहते हैं सिंगल फर्म नो क्लोज सब्स्टिट्यूट सिंगल फर्म नो क्लोज सब्स्टिट्यूट और बैरियर्स फॉर न्यू एंट्री, बैरियर्स फॉर न्यू एंट्री। पहली बात क्या है कि
एक फॉर्म होनी चाहिए, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, और नई एंट्रीज के लिए बैरियर्स होने चाहिए। ये तीन कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं तो इन्हें इकोनॉमिक्स में कहा जाता है मोनोपोली। अब चूंकि ये फर्म अकेली होती है जी, कह सकते हैं फर्म इज प्राइस मेकर। तो इन हालात में फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, वो प्राइस टेकर नहीं होती। यानी कि ये फर्म जो होती है अंडर प्राइस टेकर नहीं होगी बल्कि प्राइस मेकर है, चूंकि सिंगल फर्म होती है। यस, इसके बाद इसके पास पावर होती है सारी की सारी फर्म की। इसके रेवेन्यूज कैसे होंगे देखें, इसके रेवेन्यूज उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन थे। अच्छा, ये फर्म चूंकि अकेली है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता मार्केट में, इसलिए ये क्या करती है, ये थोड़ी सी प्राइस कम करके सेल को ज्यादा करना चाहती है। जो जो ये प्राइस कम करती जाती है वैसे वैसे इसके सेल बढ़ती जाती है। इसकी वजह से टीआर क्या होता है इसका, इंक्रीज होता है, टीआर इसका इंक्रीज होता जाता है। लेकिन एआर चूंकि टीआर ओवर क्यू होता है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। एमआर चूंकि स्लोप होती है, टीआर की स्लोप है, तो चेंज चेक करें 7 5 3 1। जो एमआर है वो एआर से कम होता है, एमआर जो होता है वो एआर से कम होता है। इसलिए इसकी अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। एआर और एमआर जो है दोनों डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होते हैं, दोनों का जो पैटर्न होता है वो डिक्रीजिंग होता है। बोलिए प्राइस कम होने की वजह से दोनों के रेवेन्यू जो है वो एआर भी और एमआर भी डिक्रीजिंग होते हैं।
हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आप लोगों को? चले, अब सुनिए जी, वो थोड़ा सा नेट इंटरप्ट हुआ मेरा ख्याल है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं डिफरेंस इन प्राइसेस। अब देखिए, अगर एक ही प्रोडक्ट की एक से ज्यादा प्राइसेस हों, एक ही प्रोडक्ट की एक से ज्यादा प्राइसेस हों, तो उसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंस इन प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट। डिफरेंस इन प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट बायर्स और ग्रुप्स ऑफ कौन बताएगा? कोई एक एग्जाम्पल देंगे जरा, कोई एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल देंगे? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही? जी नहीं, एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनसे डिफरेंट प्राइसेस। बड़ी अच्छी एग्जांपल जिसकी मिल सकती है आपको मार्केट में, बड़ी कॉमन एग्जांपल जिसकी, वापडा देखें। नहीं, क्या हो गया आपको? टीएन वाटर क्या हो गया? डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ जी, जो बड़ी एग्जाम्पल जिसकी हैं वो हैं वावडा क्या करता है वापडा? इसकी जो प्राइसेस होती है वापडा की, वो देखें कैसे हैं। वो क्या डोमेस्टिक का और रेट है? और कमर्शियल का और रेट है?
ऐसे ही है। डोमेस्टिक के लो रेट्स होते हैं, कमर्शियल के हाई रेट्स हैं। पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स क्या होते हैं पता किसी को? पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स। पीक आवर्स होते हैं 6 to 9 यूजली, इनके हाई रेट्स होते हैं, और ऑफ पीक आवर्स में कम रेट्स होते हैं। राइट जी, इस केस में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। जी बिल्कुल, हाई रेट्स इन पीक आवर्स एंड लो रेट्स इन ऑफ पीक आवर्स। इसी तरह की बेशुमार एग्जांपल्स आपको मार्केट में मिल सकती हैं। इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस लोगों से ली जा रही होती हैं, लेकिन रेट्स डिफरेंट होते हैं। प्रोडक्ट एक होती है, कस्टमर डिफरेंट होते हैं, रेट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये होती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होती कैसे है इसको थ्योरेटिकली याद रखें। High price for less elastic demand and low price for more elastic demand. मतलब जिन लोगों को चीजों की अशद जरूरत होती है, जो लोग हर हाल में प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वी नीड प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट। तो फिर क्या होता है, ऐसे हालात में उनके लिए हाई प्राइस से रखी जाती हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, हम हाई प्राइस ऑफर नहीं कर सकते, हाई प्राइस होगी तो हम बाय नहीं करेंगे, उनके लिए फिर लो प्राइसेस रखी जाती हैं। यूजली उनके लिए कम प्राइसेस रखी जाती हैं। इसका आइडिया तो है ना आप लोगों को?
इसकी चंद एक प्री कंडीशंस हैं, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ये जितना आप सुनते जाएंगे, जितना आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे, उतना ही एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना एमसीक्यूज फिर सॉल्व नहीं होते बाद में। प्राइस डिस्क्रिप्शन की दो प्री कंडीशंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक ये नो रीसेल, नो रीसेल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है ये ना करे कोई शख्स के यहां से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करके आगे सेल कर दे। मतलब जैसे कि वावडा की एग्जांपल मैंने शेयर की कि आप वावडा से डोमेस्टिक पे परचेज करें रेट पे और कमर्शियल रेट पे आगे खुद ही सेल करना शुरू कर दें, तो वावडा ये अलाउ नहीं करता आपको। प्राइस मेकिंग पावर होनी चाहिए फर्म के पास। अगर फर्म के पास प्राइस मेकिंग पावर होगी तो वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर पाएगी, अदरवाइज डिफरेंट प्राइसेस चार्ज फिर नहीं होंगी। आइए जरा इसकी बुक पे थोड़ा सा इसकी बुक पे थोड़ी सी कुछ मार्किंग कर लेते हैं जिन्हें आपने पढ़ना है। देखें चैप्टर नंबर 5, सबसे पहले तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन टिक कर लें, लॉन्ग रन की डेफिनेशन टिक कर लें। ये मैंने डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताए थे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे करते हैं, इसको अलग से न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत इसकी नहीं होती हमें। सारे इसके जो कॉन्सेप्ट्स वो हाँ, ये इसको देख लीजिएगा याद से, रिलेशनशिप्स 1.6। मैं आपको सिर्फ वो चीजें टिक करवा रहा हूं जिनमें से एमसीक्यू जनरेट होते हैं, डायग्राम्स करने की जरूरत नहीं इनकी किसी चीज की भी। ये देखें लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़िएगा। उसके बाद 2.3, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
किसी चीज की डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। ये रेवेन्यूज के डेफिनेशन है MRAR की 3.1। ये मैंने अभी आपको बताया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ARMR इक्वल होते हैं, उसकी रीजन बताई थी मैंने आपको, और मोनोपोली में MR लेस देन AR होता है। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स हैं, ये याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। अब फर्म प्राइस टेकर होती है। ये डायग्राम्स नहीं करनी आप लोगों ने, उसके बाद मोनोपोली है। मोनोपोली की डेफिनेशन फीचर्स इंपॉर्टेंट है। ये बैरियर्स हैं पे नंबर 150 पे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो अभी मैंने आपको बताया था, डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट, इसकी प्री कंडीशंस, बस यहां तक मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है। अब इससे रिलेटेड ही हम MCQs निकाल के देखते हैं। जी अभी तक जितना पढ़ा है उसके MCQs देख लेते हैं। जी अब बताइए जरा, जितने लोगों ने अब लेक्चर को सुना था आज का गौर से, जिन्होंने कल और आज सुना है, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन वो जरा मोनोटोनस सी फील हो रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड कर लिया रिमेनिंग को। बताइए जी, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इज एज, अच्छा ये आपके सिलेबस में नहीं है जी, ये वाला सप्लाई कर्व नहीं है जी। In a perfectly competitive market, our price maker, बताएं जी, option A, who is price maker? A, B, C, D. बताएं तमाम students, how the price determined under सर। करेक्ट आंसर इज बी। सर मैंने कहा था डिमांड एंड सप्लाई, इंडस्ट्री पूरी मिलके प्राइस डिटरमाइन करेगी, खाली कंज्यूमर तो नहीं करेंगे। सर सिर्फ कंज्यूमर तो नहीं करेंगे ना, डिमांड एंड सप्लाई दोनों करेंगे, इंडस्ट्री। Which of the following is not included in explicit cost? Sorry, मैं आपको एक फटाफट एक चीज करवा दूं, मुझे वो उसमें शुरू में मैंने टिक की थी, बतानी याद नहीं रही, सब लोग नोट कर लें। Explicit cost, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। Implicit costs.
ऑनर्स ऑन कॉस्ट और नॉन ऑनर्स कॉस्ट। ये जरा याद रखें सारे स्टूडेंट्स, ऑनर्स ऑन कॉस्ट और नॉन ऑनर्स कॉस्ट। ऑनर्स ऑन कॉस्ट का मतलब होता है अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस के मालिक के अपने हो, अगर बिल्डिंग मालिक की अपनी हो, कोई अंदर मैनेजर के तौर पे वो काम खुद कर रहा हो, कोई ऐसी कॉस्ट जो ऑनर के अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हो, मतलब आपके आपको बिजनेस कर रहे हैं उसमें शॉप आपकी अपनी है, शॉप आपकी अपनी है, तो हम कहेंगे ये ऑनर्स कॉस्ट है, उसका जो रेंट होगा वो ऑनर ऑन कॉस्ट होगा। लेकिन अगर वो लेबर लेता है मार्केट से, रॉ मटेरियल परचेज करता है मार्केट से, तो वो कॉस्ट वो बाहर पे करेगा, उसे हम कहेंगे नॉन ऑनर्स कॉस्ट। तो ऑनर्स ऑन कॉस्ट और नॉन ऑनर कॉस्ट, अपने फैक्टर प्रोडक्शन होंगे तो ऑन कॉस्ट, बाहर से फैक्टर प्रोडक्शन लेगा तो नॉन ऑनर कॉस्ट। राइट जी, अब बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बताएं कौन सी एक्सप्लिसिट नहीं होगी। वेजेस पेड टू लेबर एक्सप्लिसिट, इंटरेस्ट पेड बॉर्ड कर एक्सप्लिसिट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल एक्सप्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट। यस दी, क्योंकि बाकी सारी एक्सप्लिसिट है। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो फर्म अपना प्रॉफिट खुद शामिल कर लेती है, वो समझती है कि मैं चूंकि खुद ऑनर हूं बिजनेस का, तो मैं अपना जो नॉर्मल सा प्रॉफिट ऐड कर लेती हूँ उसको, वो नॉर्मल प्रॉफिट को इम्प्लिसिट कंसीडर करती है, एक्सप्लिसिट नहीं होता। मोनोपोली पावर मे बी बेस्ड ऑन, जी मोनोपोली कैसे मिलती है जी, इकोनॉमीज की वजह से, पेटेंट्स की वजह से, और कंट्रोल ऑन की नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। जी सारों की वजह से, ऑल ऑफ द अबव। डी, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जी कौन सी चीज कॉस्ट में शामिल नहीं होती। मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द प्लांट, ऑपरेटिंग कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव। बताएं जी 48 का। वैसे ये बिजनेस स्टडी का एमसीक्यूज है, लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर भी। इसका आंसर है बताएं, यस मार्केट प्राइस जो होती है वो कॉस्ट नहीं होती। Which of the following is not a component function of product? Sorry, the demand for a factor of production is called G. Demand for a factor of production. इसके लिए पहले थोड़ा मैं थोड़ा माइंड बना दूं आपका।
एक होती है डायरेक्ट डिमांड, ये बेसिकली चैप्टर टू का है, डायरेक्ट डिमांड, इसको माइंड में रखिएगा, छोटी कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट डिमांड और ड्राइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड एंड ड्राइव्ड, डायरेक्ट डिमांड होती है डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, फूड क्लोथिंग शेल्टर, इन सब की डिमांड जो होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, और ड्राइव्ड क्या होती है, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP। राइट जी, इसलिए अब बताएं, डिमांड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन इज ए क्वांटिटी डिमांड, बी ड्राइव डिमांड, सी फैक्टर प्राइस, डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताएं जी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी ड्राइव डिमांड। एज इट्स आउटपुट इंक्रीजेस, अ फर्म शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट विल इवेंचुअली इंक्रीजेस। कहता है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती जाती है। देखें, प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाए तो मार्जिनल कॉस्ट इवेंचुअली इंक्रीज होती चली जाती है। रीजन क्या होती है? पहला, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। याद रखें, शॉर्ट रन में डिसइकोनॉमीज नहीं होती। मैंने पढ़ाया था आपको, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अ लोअर प्रोडक्ट प्राइस, नो। द फर्म नीड टू ब्रेक इवन, नो। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यस। हमने क्या पढ़ा था कि जब आप ज्यादा वर्कर्स अप्लाई करते चले जाते हैं तो ग्रेजुअली क्या होता है, आपका रिटर्न कम होना शुरू हो जाता है। तो जब रिटर्न कम होना शुरू हो जाए तो आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। जी बताएं, यहां तक समझ आ गया सबको? जी सर, कुछ कुछ क्लैरिटी हो रही चीजों की? बस इसी तरह साथ साथ चीजों को देखते जाएं, साथ साथ आप चीजों को पढ़ते जाएं, कुछ रीडिंग कर लिया करें जो मैं मार्क करवाता हूँ, थोड़ा टाइम दिया करें चीजों को, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैक्रो में जाकर थ्रेटिकल ज्यादा हो जाएगा, यहाँ थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, वहां थ्रेटिकल ज्यादा है, तो टेक्निकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा आती है, इनशाला आगे ग्रेजुअली चीजें ठीक हो जाएंगी। राइट जी, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।